हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ निसिप टैबलेट। इसे कैसे इस्तेमाल करना है, इसे डॉक्टर क्या देते हैं, साइड इफेक्ट, बेनिफिट, यूज़, कंटेंट, सब कुछ इस वीडियो में हम समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, तो आपको वीडियो लास्ट तक जो उसे देखना है। निसिप टैबलेट जिसका MRP है 43 रुपये, जो कि 10 टैबलेट का एक स्टेप आता है। इसमें कंटेंट जो है नीमोसलाइट 100 mg है। फ्रेंड्स, सिप्ला फार्मा द्वारा इसे बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, कुछ इस तरह के पैक में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 टैबलेट का एक स्टेप है। आप इसे इजिली किसी भी मेडिकल शॉप पर ले सकते हैं, आपको इजिली मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा। इसका जो मुख्य उपयोग है, दर्द और सूजन में काम आता है, बुखार में जैसे कि, और सारे दर्द में काम करता है, जैसे सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, या फिर कट गए हैं, जल गया है, चोट लग गई है, तो उसमें भी काम करता है, या फिर दांतों का दर्द हो उसमें भी बहुत ही बेहतरीन काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर इसे नीमोसलाइड और प्लस पैरासीटामॉल मिला के देते हैं तो ज़्यादा तगड़ा काम करता है, लेकिन आप ये भी खाएँगे तो आपको दर्द से राहत हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके डोज की बात करें तो इसका डोज एक अडल्ट व्यक्ति दिन में 2 टाइम सुबह शाम खा सकता है। खाना खाने के बाद इसे खाएंगे तो आपको गैस की समस्या नहीं होगी, एसिडिटी की समस्या नहीं होगी, लेकिन डोज जो होता है वेट और एज कंडीशन के हिसाब से होता है। तो डॉक्टर इसे दिन में 3 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम भी कर सकते हैं, तो इसलिए पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें तभी इसका सेवन करें। और हाँ, अगर 12 साल से कम का बच्चा है तो इसका सेवन बिल्कुल भी ना कराएं। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। इसका कॉमन साइड इफेक्ट जैसे कि उल्टी, मतली, सर दर्द, दस्त की समस्या और शरीर में दाने निकलना, खुजली, ऐसी कुछ समस्या देखने के लिए मिलती है, तो इसका उसका ना तुरंत ही बंद करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं। और हाँ, अगर आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो आपको शरीर में, मतलब आपके शरीर में जैसे सूजन हो सकती है या फिर किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसे लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं इसके सावधानी के बारे में। इसकी सावधानी, अगर आप शराब का सेवन करें तो इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। जो महिला प्रेगनेंट है, जो मैं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर आपको लीवर या किडनी संबंधित या फिर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो यूज़ करने से पहले डॉक्टर को बताएं। फ्रेंड्स, और जैसे कि आप इसे नीमोसलाइड जो मैं इसमें कंटेंट बताया हूँ, अगर उस कंटेंट से एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल ना करें। इसे 12 साल के बच्चे को कम ना दें, अगर 12 साल से कम है बच्चा तो ना इसका सेवन कराएं। और इसे लेने से पहले आप इसका एक्सपायरी डेट ज़रूर से चेक कर लें। अगर आपको यह नहीं मिलता तो नीमोसलाइड 100 mg टेबलेट में आप कोई भी टेबलेट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था निसिप टेबलेट के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको किसी मेडिसिन के बारे में जानना, किसी दवा के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी भी मेडिसिन को यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। हमारा काम है सिर्फ मेडिसिन की नॉलेज देना है।